शुद्ध प्रॉब्लम हमारे पास जी इंटीग्रेटिंग पार्शियल फ्रैक्शन विद नॉन रिपीटेड फैक्टर्स एवेलुएट द इंटीग्रल देखिए हमारे पास ये इंटीग्रल हमने इसको एवेलुएट करना है इसको मालूम करना है कि इसका इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या आएगा अब इस फंक्शन को अगर आप देखें तो ये एक पार्शियल फ्रैक्शन का केस है क्योंकि अगर पावर फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि पावर फार्मूला कब अप्लीकेबल होता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स के साथ जो है वो एफ प्राइम यानी एफ ऑफ एक्स अगर पावर में हो ठीक है और आप इसका इंटेग्रल लेने जा रहे हैं तो फिर डी एक्स के साथ जो है वो इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होना जरूरी है डेरिवेटिव होना जरूरी है तब आप पावर फॉर्मूला एन प्लस वन अप्लाई करा सकते हैं या दूसरा केस क्या होता है कि अगर आप फर्ज करें नेचुरल लॉग ऑफ यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो डोमीटर के अंदर और अगर डी एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो ठीक है तो फिर आप नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन कहते हैं ये आपने दो फार्मूले पढ़ रखे हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ड्रेवेटिव जो है वो ये नहीं है ठीक है इसका मतलब नेचुरल लॉग हम अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन अगर हम इसको फंक्शन ले लें और इसको ऊपर मुख इसको देखें तो ये इस फंक्शन का डरेवेटिव नहीं है पावर फार्मूला भी अप्लीकेबल नहीं है इसका मतलब है हम यहाँ पे पार्शल फ्रैक्शन से काम चलाएंगे देखिए इस तमाम जो कंटेंट है मेरे पास जो मैंने लिखा है इसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि स्पेस हमारे पास आए ठीक है लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब हम बात करते हैं नॉन रिपीटेड फैक्टर्स तो ये जो क्वारिक इक्वेशन है ये दरअसल ये दो फैक्टर्स है इसके अंदर जो कि रिपीट नहीं करें नॉन रिपीटेड अभी हम इसको फैक्ट्राइजेशन से मालूम करेंगे कि वो फैक्टर कौन से है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की ये जो फ्रैक्शन है ये आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है चूंकि इम्प्रॉपर क्यों है कि जो फर्स्ट यानी न्यूमरेटर में जो टर्म है न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की में एक्सप्रेशन की डिग्री से ग्रेटर है तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी तो ये क्या होगी इमर तो पहला स्टेप क्या होगा हम इसको प्रॉपर बनाते हैं किस तरह बनाएंगे जाहिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखें जी मैं यहां पे डिवाइड करता हूं इसलिए मैंने यहां पे स्पेस बनाई ठीक है डिविजन आप जानते हैं टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क् माइनस एक्स माइनस सेवन यानी तब तक इसको डिवाइड करेंगे जब तक आपकी डिनोमिनेटर जो है वो यानी हमारे आपके पास प्रॉपर एक्सप्रेस प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आती 2X square minus 3X minus 2. अब आतीय इसके साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई यानी को किस 2X square को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास आंसर टू एक्स क्यूब आएगा या टू एक्स क्यूब को डिवाइड जब करते हैं टू एक्स स्क् के साथ तो क्या आंसर आता है ज्यादा एक्स आता है अब लिखेंगे x तो ये बन जाएगा टू एक्स क्यूब टू अब बाकी टर्म सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस थ्री एक्स ठीक है माइनस थ्री एक्स और उसके बाद माइनस टू इंटू प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस और अगर हम इसको करते हैं सिंपलीफाई तो बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ठीक है ये कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट तो माइनस एक्स प्लस टू ये बन जाएगा यानी टू एक्स माइनस एक्स ये सिर्फ बनता है एक्स माइनस सेवन इसका मतलब है अब ये हमारे पास इस सूरत में आ गई है यानी अगर मैं अगर मैं अगर यानी जो मैं सिर्फ इसको ही लूंगा थ्री एक्सक्वेयर माइनस एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास टू एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स माइनस टू इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं ये इक्वल हो जाएगी किस चीज के इक्वल हो जाएगी? x x की टू ठीक है ये चीज अब ये इस चीज के इक्वल आ गई इसका मतलब अब यहां पे आप इस जो आपके पास इंटीग्रेंड है जो आपके पास इंटीग्रेंड है जो dx के साथ ऑब्वियसली है आप उसको आ, इस तरह से लिख लेंगे यानी इस फॉर्म में लिख लेंगे ठीक है इसका मतलब अब मैं अगर इसी को रिफ्रेज करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगी तो यहाँ पे आप मेरे साथ रहिए जी मेरे पास बन जाएगी इंटेग्रल साइन इंटेग्रल साइन और एक्स प्लस एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स और ये सब के साथ क्या है डी इसका मतलब अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें इसकी फैक्ट्राइजेशन करनी पड़ेगी अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे ठीक है हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे उसकी भी मैं फैक्टराइजेशन यहाँ पे पहले कर लूँ ठीक है मिड टर्म ब्रेक से अगर हो सकती है तो वैसे कर लेते हैं टू एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स माइनस टू ये कितना बनेगा टू टू जीरो फोर माइनस फोर एक्सक्र प्रोडक्ट है फर्स्ट लास्ट टर्म का जो सम है वो माइनस थ्री एक्स है इसका मतलब है मैं लिख लूंगा टू एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस प्लस वन एक्स माइनस टू यहां से टू एक्स कॉमन पीछे रह गया एक्स माइनस टू और यहां से प्लस वन कॉमन एक्स माइनस टू ठीक है मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करूं अगर तो ये मेरे पास बन जाएगा टू एक्स यानी एक्स माइनस टू कॉमन आ गया एक्स माइनस टू कॉमन आ गया तो पीछे मेरे पास रह गया टू एक्स प्लस वन तो ये दो फैक्टर्स हैं ये दो फैक्टर्स हैं ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये जो इंटीग्रेशन में है आपके पास ये मेरे पास बनता है जी देखें हम अलग अलग यानी इसकी इंटीग्रेशन अलग से होगी एक्स dx की ये सब पे साथ आपके इक्वालिटी साइंस आएंगे ठीक है अच्छा उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन का साइन चले इंटीग्रेशन का साइन एक्स माइनस सेवन ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस वन और साथ dx ठीक है अब इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है इसकी इंटीग्रेशन तो वन स्टेप है बहुत आसान है हम क्या करेंगे सीधा सीधा हम इसको पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे चूंकि एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो वन होता है जो डी के साथ मौजूद है तो ये आ जाएगा एक्स वन प्लस वन प्लस वन जो कि बनता है टू एक्स तो मैं इसी स्टेप में लिख दूंगा एक्स उसके बाद प्लस ये जो सब चीज है इसकी मुझे पहले जो है वो पार्शल फ्रैक्शन पार्शल फ्रैक्शन बनानी है उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है ठीक है अब इसको मैं फिलहाल मैं इसको कहता हूं इस पूरे इंटीग्रैंड को मैं कह दूंगा यानी ये जो इंटीग्रैंड है इसको मैं कह दूंगा आय इसको कह दूंगा माई इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद आप यहां पे डालेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा अब आप पहले इसकी पार्शल फ्रैक्शन करते हैं इसकी पार्शल फ्रैक्शन करते हैं अब हम कहते हैं लेट सेवन और एक्स माइनस 2 और टू 1 partial fraction अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप पार्सल फ्रैक्शन पहले सीखें उसके बाद जाके ये वीडियो देखें लेकिन करें जी अगर हम यहाँ पे पार्सल फ्रैक्शन करते हैं कितने फैक्टर्स हैं दो हैं लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड हैं इसलिए मैं एक फैक्टर के लिखूंगा ए और एवर एक्स माइनस 2 और उसके बाद प्लस

टू प्लस वन और ये बी क्या हो जाएगा टू माइनस टू जीरो जीरो टू हो जाएगा मेरे पास माइनस वन ए मेरे पास आ गया माइनस वन इसी तरह से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखता हूँ A आ गया, आप यूं लिखेंगे ठीक मतलब से से है तो आपके पास ए आ जाएगा माइनस वन के इक्वल माइनस वन इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू माइनस वन ये ए की वैल्यू निकल रही अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं